नल बाबा के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि बर्म क्या होता है। इसे कई जगह बट भी बोलते हैं, कई जगह बर्म भी बोलते हैं। तो आज हम इसे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैंने एक कोल माइंस की वीडियो रिकॉर्ड की है जो मैंने बनाई है, उसे आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि इसकी कितनी उपयोगिता है। यदि आप इसे देखेंगे, गौर से देख रहे होंगे, तो यह एक टिपर है जो कि डंप कर रहा है और मैक्सिमम यह 10 10 मीटर की हाइट में है। और जो सबसे लास्ट वाला चक्का है, पीछे वाला चक्का, वह एक मिट्टी के टीले पर टिका हुआ है। यदि वह नहीं रहेगा तो यह नीचे गिर सकता है। तो इसकी उपयोगिता यही है कि अपर बेंच से लोअर बेंच में जाने में यह रोकता है। यदि ढाल है तो यह जो आपकी गाड़ी है वह रुक जाएगी। ऐसे ही किनारों में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए यह साइड में, जैसे यह व्हीकल चल रहा है, किनारे में भी आप देखेंगे, यहाँ पर किनारे में भी आपको बर्म मिलेगा। यह इसलिए कि मान लीजिए यदि टिपर का ब्रेक फेल हो गया या कुछ भी ऐसी पैनिक सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका इंजन फेल हो जाता है या ब्रेक फेल हो जाता है, तो यह टायरों से टकराकर उस पर रुक जाए। आप देख रहे होंगे यह डोजर बरम बना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ और टर्म के बारे में। तो इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, तो हाइट आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां रहती हैं। यह तो टिपर है, इसका मैक्सिमम आप देखेंगे तो कम से कम 1 मीटर समथिंग इसका टायर का डाया का हाइट है। तो जितनी टायर की डाया की हाइट रहेगी, टायर के डाया के बराबर ही बर्म का साइज़ रखा जाता है, तभी तो वह रोक पाएगा। तो शुड नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ द टायर डाया। तो जो टायर रहेगा उसके डाया से कम नहीं होना चाहिए। कई जगह है 1 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यदि बताइए कि जैसे डम्फर का आप देखेंगे टायर का हाइट, तो वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है। यदि हाइट कमज़ोर रखेंगे तो ये तो टायर ऊपर चढ़ के भी निकल जाएगा, जैसे ब्रेकर से निकल जाता है। तो कम से कम उतना रखा जाता है जितना टायर रहे। इससे क्या होगा कि स्टॉप हो जाएगा जो भी व्हीकल रहेगा। आगे देखते हैं और किस चीज़ में इसकी उपयोगिता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम रोलिंग डाउन फ्रॉम द अपर बेंच टू लोअर बेंच, ठीक है ना। तो ऊपर वाले बेंच से नीचे वाले बेंच में गिरने से यह रोकता है। एक और इसका यूज है, इफ ब्रेक फेल्स इट कुड सेफली स्टॉप द व्हीकल। यदि मान लीजिए कि ब्रेक फेल हो जाता है या कुछ भी ऐसी पैनिक सिचुएशन आती है, तो यह मान लीजिए किनारों में या कहीं भी, तो यह साइड में जाकर रुक जाता है। यह किसी से कोलैप्स नहीं करता और ऊपर से नीचे नहीं आएगा, तो डैमेज जो ऑपरेटर रहेगा, जो ऑपरेट कर रहा है व्हीकल को, उसकी भी सेफ्टी बनी रहती है और आपका व्हीकल की सेफ्टी तो बनी ही रहती है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्टिंग से, यदि आपको देखना हो तो देखिए कि किस तरह से यह काम कर रहा है। डोजर तैयार कर रहा है जिससे अच्छी तरीके से लग पाए यह अपने डंपिंग पॉइंट पर। यह चैनिंग कर रहा है, चैनिंग करते हुए ग्रेडिंग भी कर रहा है। और इसने टिपर के डाया की हाइट के बराबर का बरम दे दिया है। माइंस में आपको काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। इसमें यदि यह जब पीछे जा रहा है तो आवश्यक है कि AVA जो कि ऑडियो विजुअल अलार्म है वह ऑन होना चाहिए। टी टी इसकी आवाज़ कंटिन्यूसली आती रहेगी, इससे जानकारी होती रहती है कि कोई व्हीकल आ गया। अब देखिए आप, यह सबसे पिछला वाला भाग जो है वह बरम के टीले के हाइट के बराबर है। और कई जगह पर एज डंपिंग को अवॉइड किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि उसमें छुएगा नहीं, बर्म में टच नहीं होगा। यदि कुछ विशेष सिचुएशन रहती है या कुछ ऐसी डेंजर सिचुएशन रहती है, नॉर्मल जगहों पर आप जो पिछला वाला टायर है वह बर्म को हल्का सा छूता हुआ रहेगा,
हल्का सा, ना कि उस पर चढ़ जाएगा या प्रयास करेगा, ऐसा नहीं करना, केवल हल्का सा छूता हुआ। अब देखेंगे यह टिपर को, पूरा माल आपका पीछे भी चला गया और सुरक्षित रूप से आगे भी आ गया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।